आराम से ओए 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 सबसे पहले उठा लूं क्या उठा लूं ओए होए होए ऐसे करो झींगा 1 किलो लगा दो बारबेक्यू हां बारबेक्यू सही है और रेड स्नैपर और तेरी होए 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 भाई ये तो तुम तो डंडे मार रहे हो एक बाइट लूंगा देखेगा हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू व्लॉग बरसात के साथ व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इस वक्त हम शार फैसल कराची में हैं बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो रही है आगे का आप लोग मनाजर देखें शार फैसल बहुत ज़्यादा जैम हो गया था जैन भाई देखें एंजॉय कर रहे हैं फुल बाहर हाथ निकाल के इनको बिल्कुल परवाह नहीं है कि गाड़ी के अंदर पानी आ जाएगा इनके बाप की गाड़ी है इनको कोई टेंशन नहीं है ये मुंडी भी बाहर निकालेंगे बाहर निकल बाहर निकल बाहर निकल इनको कोई टेंशन नहीं है इनका बस चलेंगे छत पे बैठ जाए माजरत भाई अभी भाई जैन बहुत पानी है और अभी पता ही नहीं चल रहा यार आजू बाजू में गाड़ी वाले जाना गालियां दे रहे कसम से गालियां दे रहे क्योंकि यार माजरत हमें तो पता ही नहीं है ना लेकिन पता नहीं चल रहा है कहाँ ज्यादा पानी है तो हम लोग को पता ही नहीं चल पा रहा कि गाड़ी वहाँ जा रही है और बाइक वालों में धड़ाम करके पानी जा रहा है धड़ाम करके बाहर निकाल के देखो मजा ये देखे इसको देखे नहा रहा है भरपूर करके अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ मेरी बदकिस्मती है लेकिन आपका भाई भी कोई चीज छोड़ता नहीं है अभी मैं इंजॉय करके दिखाऊंगा आप ये देखिए इसको ये फुल दरिंदा बन के इंजॉय कर रहा है अब इसको इस इंजॉयमेंट का जो है हर जाना भुगतना पड़ेगा अभी हम जा रहे हैं वन एंड ओनली बारिश में पकोड़े के बाद मछली और झींगे खाने के माड़ी अभी मजा आएगा ना भिड़ो भाई फुल चार फैसल पे एंजॉयमेंट हो रही है हमारी ये गाड़ी वालों को देख रहे होंगे आप लोग फुल सब जबरदस्त भगाते हुए जा रहे हैं अभी हल्का सा फोक आ गया एसी चलाएंगे ताकि ये फोक चले जाए भाई भाई वेदर चेक करें व्यू चेक करें जिस तरीके की बारिश हो रही है तो मैं जैन भाई को बोलता यार काश हम लोग इस टाइम बाइक पे होते तो इस बारिश का कितना हम लोग एंजॉयमेंट फील करते लेकिन बाइक में याद नहीं गए थे कैसा भीग रहा है भाई बाइक पे तो एक अलग ही मजा आता है लेकिन कोई बहुत उमदा बारिश हो रही है कराची में बेहतरीन और मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इस बारिश में अगर झींगे और मछली मिल गई और बारबेक्यू प्रॉन्स मिल गए तो भाई मजा आ जाएगा तुम लोग क्या जी रहे हो तुम्हारा भाई जिएगा आज की जिंदगी बारिश के साथ अच्छा भाई हम लोग इस वक्त नटी जटी के पुल पे चढ़ रहे हैं और बारिश बहुत ज्यादा स्पीड से हो रही है हम पहुंच चुके हैं फाइनली केमाड़ी पहुंच चुके हैं हमने पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और सामने से ही रास्ता है कश्ती में बैठ के समंदर पार करते हैं ना केमाड़ी से तो ये वही रास्ता है सामने से और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो है वो फिश पॉइंट है चले जी फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उतर चुके हैं हम लोग नेहरू को करें लॉक और उसके बाद बढ़ते हैं आगे इतने सारे ट्रक हैं भाई साहब भाई सिर्फ ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं लेकिन मैं आप लोग को आपस की एक बात हूँ अभी मछली वालों के ना सबके रेट बढ़ गए होंगे ये ट्रक ही ट्रक आ रहे हैं ओए 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 भाई भाईजान जाने दो एक मिनट सबर कर लो भाईजान सबर कर लो भाईजान सारे भाई सबर कर लो चल चल इसके नीचे से निकल जाता ना इतनी प्यारी जगह बनी हुई एडवेंचर नहीं करता मेरा दोस्त एडवेंचर करेगा ना इसको मजा आएगा अच्छा भाई हम खाएंगे सिर्फ आगा सी फूड का ओए होए मार्केट ही खाली पड़ी है भाई ओए होए होए आगा ये रहा बंद पड़ा भाई ओए होए होए आगा बंद हो गया यार इनमें से कोई तलाश कर नियाजी इनमें से कोई तलाश करना पड़ेगा भाई हमें इतना बड़ा है भाई निकलेगा कितना ये किलो में 550 ग्राम पड़ेगा 550 ग्राम मतलब आधा किलो एक किलो में आधा किलो निकलता है एक ही निकलता है वाली बात करो मेरे अच्छी काम भी फिर ऐसे ही करो अच्छा रेट कर लो क्या कर लोगे आपको लगा देंगे बारबेक्यू 1300 लगा दो बारबेक्यू 1300 लगा दोगे चलो ठीक है भाई वो भाई बस स्नैप नहीं ले बस कर बताओ इसमें से मछली में से कौन सी लें सबसे अच्छी कौन सी है बारबेक्यू खाएंगे बारबेक्यू में रेड स्नैपर सबसे अच्छी है रेड स्नैपर टेस्ट में मुलायम गोश्त जूसी होगी और जूसी होगी हाँ और ये मुश्का पड़ी है ये भी अच्छी है ग्रिल में अच्छा बाकी ये आइटम है झींगा 1 किलो लगा दो बारबेक्यू सही है और मछली ऐसी लगा दो एक लगा दो बस हम दोनों ही है बस नॉर्मल साइज एक लगा दे मेरी जान कितना हो गया हो गया 1 किलो बारबेक्यू करवा दो अच्छा सा इसको रेड स्नैपर का सही लगाओ यार किया है ना तुमने किया है
1300 अबे यार तू तो बढ़ा रहा जज्बाती रेड स्नैपर का सही किसके इससे सही करूँ ना यार सही लगा ये नहीं करो हमारे लिए मोहब्बत कर लो देखो आज पूरे 2500 कर लो ना सही है ना 2500 चलो सही है सही तीन पाव है यहाँ किलो नहीं है सही है सही है लगवा दो बच्चे मसाला जरा जबरदस्त लगवा दो हाँ हाँ मसाला स्पाइसी 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 भाई स्पाइसी नस निकाल देना वो कौन सी नस होती है वो भाई निकाल रहा है बाबे बता तो तुम हमारी मछली के मसाले लगा रहे हो झींगों में मसाले लगा रहे हो बता नहीं रहे लेकिन ये क्या लगा दिया इतना सारा नमक है अबे भाई तो जहर हो जाएगा नमक नहीं होगा पक्की गारंटी है लगा रहे हो ये तेल है मसाला है ओए होए 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 फुल तेल में लिपटा हुआ है तो ओए होए 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 ऐसे भाई मोटा मोटा मसाला लगाना सही है लेकिन मेरा दोस्त नहीं कहता उसको बताना नहीं उसको अगर वो पूछे बोलना बहुत हल्का मसाला लगा है ठीक है एक वो वेन होती है वो निकाल दी पक्की रिपोर्ट है देख लो बस सही है सही देख लो हाँ अच्छा ये निकाली है पहले पहले ही बोल दिया था कि अगर YouTube पर रोनाल्डो ने अपना चैनल बनाया ना YouTube हैंग हो जाएगा लेकिन माशाल्लाह YouTube ने भी कोई अपना कोई अच्छा सिस्टम कर लिया अपग्रेड हो गया मतलब लेवल का अपग्रेड हो गया कि वो हैंग नहीं हुआ भाई 50 मिलियन कम नहीं होते 50 मिलियन क्रॉस किया है हाँ भाई ये सब रेडी हो गया अब ये ग्रिल में चली गई भाई हमारी फिश और ये बारबेक्यू प्राउन्स जो हैं भाई ऐसे ही डायरेक्ट लगा देंगे अरे भाई अभी देख के भाई मुंह पानी आ रहा है जैन भाई अपने रोनाल्डो से बाहर नहीं आ रहा है वहाँ सबके साथ पर हमने यहाँ मसाला लगवा लगा सब कुछ डन भी कर दिया जी भाई जैन भाई जाके बैठ गए अब मैं भी जाके बैठ जाऊँगा भाई नाराज हो जाएंगे बोलेंगे यार लगा हुआ अपनी चीजों में अब तो जब तक बाइट नहीं लेंगे अब तक पता नहीं चलेगा कैसे बनेंगे ओ भाई आराम से जरा ओए आराम से ओए आराम से ओए 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 सबसे पहला उठा लूँ क्या उठा लूँ ओए होए 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 प्राउन गरम मजा भी तो आ रहा है गरम गरम में भाई ले बिस्मिल्लाह करें अब आ जाओ एक एक बाइट ले लिया क्या वो ले अच्छा भाई ये चपाती आ गई ये पकड़ो जैन भाई चपाती खाना है और ये चटनी मेरे लिए कोला नेक्स्ट लियो चले भाई अब लेंगे फिश का बाइट और ये फिश मैंने हल्की सी तोड़ ली है और ये बिल्कुल ही जैसी उसने बोली थी जूसी और टेंडर तो हो रही है लेकिन अभी चेक कर लें इसको जरा बाइट लेके कि ये बनी कैसी है भाई वह मज़ेदार है मज़ेदार है लेकिन एक बताओ झींगे बहुत लेवल के हो रहे हैं भाई मैं एक बाइट लूँगा देखेगा यार ये देख रहा है मुझे खाते हुए ये क्या बात हो गई क्या मैं खा भी नहीं सकता क्या मुझे देख क्यों रहा है ये बंदा वाह भाई वाह इतना ज़बरदस्त झींगा हो रहा है जैन भाई तो आसरा ही नहीं कर रहे बिल्कुल तो अब मैं बिल्कुल ब्लॉग बनाना छोड़ रहा हूँ और खाना खाने के बाद आपसे मिल बिस्मिल्लाह जैन भाई जो है खाना खा चुके हैं और आप देखें सिर्फ जैन भाई मेरे लिए छोड़ के क्या क्या जाए ये चेक करें जैन भाई ये भी मेरे लिए छोड़ के गए और ये मछली भी मेरे लिए छोड़ गए और बोल रहे हैं मेरा खाना डन हो चुका अब मुझे लग रहा है कि मुझे सूखी चुनाई करनी पड़ेगी क्योंकि रोटी से मैं ये सब नहीं खा सकता ओए होए 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 भाई इसको ऐसे ही तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना अब बहुत ज़्यादा जो है हैवी हो जाएगा अगर मैंने रोटी के साथ खाया इसका झिमड़ है ओए बारिश में क्या बोला था उसको क्या बोला था मेरी बुराइयां कर रहा था बोला बोर्ड था डाइट ये भाई फाइनली सब कुछ डन हो चुका है इसमें थोड़ा बहुत बचा है लेकिन अब आपके भाई की गुंजाइश नहीं बची प्राउन आपके भाई पूरा खा चुका है चटनी भी खा ली है और मछली में थोड़ा बहुत बचा है जो कि उसको रहे नहीं दे भाई अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मज़ा आ गया भाई भाई मज़ा आ गया ज़बरदस्त मज़ा आ गया जो आपने खिलाई वही बहुत मज़े की थी तुम क्या खा रहे हो ये क्या आलू कलेजी बैठा हुआ गलत है बस बाकी सब कुछ सेट है अब सही है भाई बहुत बहुत थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़ बस आप खाओ खाना थैंक यू अल्लाह हाफिज़ भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं बहुत मज़ा आया खाना खाने में और पेट भी फुल हो गया जी चले जी भाई घर पे आ चुके हैं उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने भाऊ बोल रहा हूँ और अपने भाई की दुआओं में याद रखें थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़।